आप लोगों ने जैसे देख ही लिया होगा कि महिंद्रा ने अपनी नई XUV700 लॉन्च कर दिया और उस XUV700 में इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं और उसके हिसाब से जो प्राइस है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस में काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से आपको एक फीचर देखने को मिलता है एडवांस ड्राइव असिस्ट सिस्टम। एडवांस ड्राइव असिस्ट सिस्टम में क्या है, ड्राइविंग ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, यानी ये एक ऑटो पायलट टाइप का सिस्टम है, तो जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है, जैसे कि आपने अपने क्रूज कंट्रोल को सेट कर दिया है 80 की स्पीड पे, लेकिन सामने की गाड़ी अगर 60 की स्पीड में चल रही है तो जो आपकी XUV700 है वो आपकी सामने वाली गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट कर लेगी और उस हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखेगी और उससे लगभग 7 से 10 फीट तक की दूरी बनाए के रखेगी और उसे उसी स्पीड में चला के रखेगी, यानी सामने वाली की गाड़ी की स्पीड को देखते हुए 700 अपनी स्पीड को कम कर लेगी। उसके बाद है हाई बीम असिस्ट, जो इसका जो एडवांस फीचर है, इसमें क्या दिया गया है, अगर सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है और उसके अंदर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो जो ये हाई बीम असिस्ट है वो अपने आप ही लो बीम में चला जाएगा, जिससे इनकमिंग ट्रैफिक जनरल सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्या होता है कि भैया हम हमेशा हाई बीम में चलते हैं और हम हाई बीम को सामने वाले को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामने हमारा विजन क्लियर नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं ट्रैफिक साइन रिकग्नाइज, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि आपने साइंस देखे होंगे कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हमें हाईवे पे चलाना है या 100 किलोमीटर पर हाईवे की स्पीड पे चलाना है, तो उस तरीके से स्पीड के साइंस दिए होते हैं, ट्रैफिक साइंस दिए होते हैं रोड के साइड में, तो हमारी XUV700 क्या करेगी, हमेशा रोड पे जो भी साइन दिया रहेगा उसे डिटेक्ट कर लेगी और इस हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन रखेगी। उस हिसाब से मेंटेन रखने का मतलब यह है, अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और साइन दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को रखने का, तो XUV700 उस हिसाब से अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर सेट कर लेगी। लेकिन ये सब फीचर्स आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप उसे ऑटो पायलट मोड में चला रहे होंगे, तभी आपको ये सब फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही चीप चीज़ें हैं और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको ये सब फीचर्स इतने सस्ते में यानी जिस रेंज में निकली है उसमें मिल रहे हैं तो ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो जाता है और इसके हिसाब से जो बाकी कॉम्पिटिशन्स है वो इससे काफ़ी पीछे हो जाते हैं और ये सिर्फ आ जाती है आगे। तो देखना होगा इन फ्यूचर ये जो फीचर्स हैं कितना साथ देते हैं, कितने लंबे समय तक कंटिन्यूसली 700 के साथ अच्छे तरीके से काम करते हैं, तभी इसकी असली प्रैक्टिस हो पाएगी। नहीं तो बाकी फीचर्स वाइज तो काफ़ी बढ़िया दिया गया है, जो भी दिया गया जैसे ट्रैफिक साइन रिकग्नाइजेशन, हाई बीम असिस्ट और एडिप्टिव क्रूज कंट्रोल, तो ये सारे फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे इसी के अंदर एक असिस्ट एडेप्टिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिसके अंदर अगर आपके गाड़ी के सामने कोई ऑप्टिकल आ जाता है तो वो गाड़ी ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लेगी और ब्रेक लगा देगी सही टाइम पे, लगभग 10 फीट तक की दूरी में वो ब्रेक को लगा देगी और काफ़ी ज़ोरदार झटका लगता है पहले ही बता दूँ। लेकिन वो सब कब काम करेगा, जब आप उस टाइम ऑटो ड्राइविंग मोड में हो तभी वो काम करेगा, बाकी ऐसे काम नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ADAS का मतलब क्या दिया है, एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम, यानी ऑटो ड्राइवर मोड में अगर आप चला रहे हैं तो। अब बाकी फीचर्स की बात करेंगे हम बाद में, लेकिन जो मेजर फीचर्स मुझे लगे थे वो काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं XUV700 में और वाकई क्या शानदार गाड़ी बनाई है महिंद्रा ने, तो ये बोल सकता हूँ ये है देश की गाड़ी, तो देश की गाड़ी के लिए तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए था, तो बढ़िया गाड़ी है। हम इसको देखेंगे बाद में, इसके पूरी स्पेसिफिकेशन बाद में देखेंगे और हर एक गाड़ी में आपको यानी इसके 4 वेरियंट आपको इस टाइम अवेलेबल हैं, तो 4 वेरियंट कौन कौन से हैं इसके, जो 4 वेरियंट आपको अवेलेबल देखने को मिलते हैं तो वो शायद यही होंगे जो है MX गैसोलीन, MX डीजल, AX3 गैसोलीन और AX5 गैसोलीन। गैसोलीन से शायद पेट्रोल समझना चाहिए मुझे, लेकिन मैं कुछ कंफ्यूज्ड हूँ, हाँ लेकिन पेट्रोल ही है वो जहाँ तक, क्योंकि ये इसका जो AX दिया गया है जो नाम वो है एंड्रीनो X5, एंड्रीनो X3 और MX का महिंद्रा बोल सकते हैं शायद। तो आगे हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमें इतने अच्छे रेट में हमें ये चीज़ें मिल रही है देखने को, तो इस चीज़ के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। तो मैं मिलूँगा आपको और किसी वीडियो में, अभी इतना ही, बाय, सी यू।